नमस्कार, मैं निशांत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज नेटवर्क। पंचायत के विकास के मुद्दों पर फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं पंचायत में। पंचायत की बात करने, पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के बेगूसराय जिले के वीरपुर प्रखंड के डीपर पंचायत में। हमारे साथ डीपर पंचायत के मुखिया जी साथ में हैं, इनका नाम राजीव कुमार है। तो आइए रुक करते हैं राजीव कुमार जी की ओर, जानते हैं डीपर पंचायत के विषय में कि डीपर पंचायत का विकास स्तर कहाँ तक पहुँचा है और क्या कमियाँ बाकी रह गई है। तो आइए रुक करते हैं। तो राजीव जी, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। नमस्कार। हम माइक हम पकड़ लेंगे, आप बोलिए। सबसे पहला सवाल मैं जानना चाहेंगे, अभी मौजूदा हालत आपके पंचायत की क्या है? विकास के नाम पर पहली बार आप मुखिया बने? जी सर, पहली बार। जी सर, तो मौजूदा हालत क्या है, नल जल की स्थिति क्या है? नल जल की स्थिति बहुत खराब है। पीएचडी के अधिकारी काम कर रहे हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? काम तो करते हैं लेकिन एक भी पानी पीने योग्य नहीं है। कितने वार्ड हैं टोटल? 13 वार्ड। ठीक नहीं, दो तीन वार्ड लगता है, उधर मुजफ्फरा का एक करीम टोल का है, इसमें पेयजल है, बाकी सब तो नमकीन है। देखने की बात है, पूछने की बात है। जी, नमकीन मतलब? मतलब पानी खरा है। अच्छा, नमकीन है, पीने योग्य नहीं है। नहीं। अच्छा, जब पीआरडी के अंतर्गत यानी मुखिया के अंतर्गत थी नल जल योजना, तब कैसी स्थिति थी? तो स्थिति तो उस समय भी वही थी, ऐसा थोड़े उसमें। अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को लाभ मिला अभी तक आपके पंचायत में, और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत? मुख्यमंत्री का अभी तक में 4 आया है। अच्छा। मैंने हिस्सा प्रखंड में, जैसे 8 पंचायत है, नहीं 8 पंचायत है ना पूरे प्रखंड में, तो 4-4 करके हिस्सा आया था, 4 लोगों को हमने दिया। पर पंचायत में 4 लोगों को मिला है। जी सर, मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ, और प्रधानमंत्री का 50 था, 58 लोगों को लाभ मिल चुका है अभी तक। हाँ हाँ, मेरे टर्म में। बात करते हैं विद्यालय की, आपके पंचायत की विद्यालय की स्थिति कैसी है अभी? विद्यालय तो ठीक है। ठीक है, विद्यालय शिक्षक आते हैं हम लोग? हाँ, वो सब आते हैं। शिक्षक स्वास्थ्य केंद्र है आपके पंचायत में? नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं। स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो आपके पंचायत के लोग कहाँ जाते हैं इलाज करवाने, उनको जरूरत पड़ती है? तो प्रखंड में जाते हैं वीरपुर, बाकी कितनी दूरी पड़ती है यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर पड़ती है, तो ज़्यादा परेशानी नहीं होती है लोगों ना? ज़्यादा परेशानी तो नहीं है, लेकिन फिर भी रहने से अपने पंचायत में तो ज़्यादा सुविधा होगी। अगर पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो लोगों को ज़्यादा सहूलियत होगी, ऐसा आपका कहना है? जी जी जी। अभी आप जाते हैं पंचायत, घूमते हैं? जी जी जी। तो मुख्य समस्या क्या निकल के आ रही है सामने अभी? सर, मुख्य समस्या आवास, ऐसे मुखिया से ज़्यादा लोग उम्मीद रहती थी, अभी शौचालय आवास उसमें होता क्या है? शौचालय बहुतों को मिला भी, लेकिन मिलने के लिए क्या होता है? अभी हम लोग का लगता है 2 साल से फॉर्म भरा रहा है, आ रहा है, कुछ जियोटेक हो रहा है, कुछ बोलते हैं स्टेट से प्रॉब्लम है, फंडिंग नहीं है, मतलब बहुत परेशानी, बहुत तरह की समस्या हो रही है। पंचायती राज को लेकर सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सर, कुछ काम ही हम लोग नहीं, हम पंचायत घूम नहीं पा रहे हैं। इतना आदमी का डिमांड है, लोग को आशा रहती है कि आवास चाहिए किसी को। पहले तो चापाकल का था, तो खैर अभी तो सरकार ने बंद कर दिया चापाकल, तो उसका तो हम लोग बोलते हैं। यानी मुख्य रूप से पंचायत का विकास रुका हुआ है आपके हिसाब से? बहुत रुका हुआ। इसका कारण आप सरकार को मानते हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों को, कि सिर्फ केंद्र भी इसमें शामिल है? अभी देखिए मनरेगा के हाल देखिए, 2-2 साल में, 3-3 साल में पेमेंट नहीं होती है। जी, हम लोग सोखता बना के रखे हुए हैं, पहले बोलते सरकार काम करो, उसके बाद पेमेंट ही फंस गया, पैसा ही नहीं आता। मतलब विकास का कार्य कुछ हो ही नहीं पाया आपके पंचायत में अभी तक, इस टर्म में जब से आप मुखिया बने हैं तब से? हाँ, संतुष्ट नहीं है उसे ना, जनता के वादों पे खरा नहीं उतर पा रहे हैं। ये स्ट्रीट लाइट की बात कीजिए, 2 साल से पैसा हम लोग का पंचायत का रुका हुआ है, सरकार रोकी हुई है, नहीं इसको खर्च नहीं करना, और इसमें स्ट्रीट लाइट लग ही नहीं रहा। अच्छा, जो लगी है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा, काम नहीं करता है, बंद है, भगलू करता है, 2 घंटा जलता है, बंद रहता है। अच्छा, सरकार की ओर से आपके पंचायत के लिए फंड आया कि नहीं आया? 3 साल अब होने वाली है, 1 साल का तो नहीं आया, एक साल का हुआ अभी, फिर कुछ आया है, कुछ सस्ती में था भी, कुछ सब रोका हुआ है, क्या करना है, कभी वेंडर नियुक्त होगा, कभी ये होगा। पहले क्या था, हम लोग निकलते थे तो मुखिया जी ये प्रॉब्लम है गली में, ये घर, ये रोड बनाना है, यहाँ पानी लगता है। अच्छा, तो मुखिया का अधिकार को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अब अधिकार का तो बात आप लोग समझ ही रहे हैं, सब अधिकार का तो मुख्यमंत्री अधिकार नहीं रह गया मुख्य ने। अब हम लोग पेमेंट कामों कर रहे हैं तो उसका पेमेंट के लिए 2-6 महीना घूम रहे हैं, अब हो रहा है, पैसा नहीं है, अभी डाल दिए, हो रहा है, ऐसे है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजीव कुमार जी, सारी बात उन्होंने बताई है पंचायत के विषय में। इनका साफ तौर पर कहना है कि डीपर पंचायत का विकास अभी तक रुका हुआ है, मुख्य रूप से फंड की पूरा बिहार की स्थिति खराब, बिहार की स्थिति यही है, सब लोग जाने रहे हैं, आप लोग तो घूम घूम के।
तो इनका ये कहना है कि बिहार के हर एक पंचायतों का लगभग विकास रुका हुआ है। हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देखते होंगे, पंचायत पंचायत हम लोग घूमते हैं, पंचायत के मुखिया से मिलते हैं, विकास स्तर आपको दिखाते हैं। लगभग पंचायतों का अभी यही हाल है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार की वजह से मुखिया लोग का ऐसा कहना है कि विकास रुका हुआ है कहीं ना कहीं पंचायत का। फंड की कमी है, नल जल योजना ठीक से काम नहीं कर रही, पीएचडी को जब से सौंपा गया है नल जल योजना तब से पीएचडी वाले काम नहीं कर पा रहे हैं पंचायतों में। लोग त्रस्त हैं, पंचायत के लोग त्रस्त हैं अभी तक, लेकिन फिर भी सरकार चुप्पी साधी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हम फिर मिलेंगे आपसे एक और पंचायत को लेकर, एक और पंचायत की बात करने के लिए, एक और पंचायत का विकास स्तर जानने के लिए मुखिया जी से। देखते रहे हमारे साथ बिहार न्यूज़ नेटवर्क, मैं आपके साथ निशांत कुमार, बेगूसराय।